नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 22 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा ने निकाली रिक्तियां। कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार में विदेशी सब्जियों की होगी खेती। उत्तर बिहार के 5 जिलों में लगेंगे इतने लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर। दिनेश कार्तिक ने कहा, हर हाल में इस साल विश्व कप खेलना चाहता हूं। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण पटना ने निकाली रिक्तियां। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण पटना ने कार्यकारी निदेशक उप महाप्रबंधक के कुल मिलाकर 22 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के सिविल सीएस या फिर बीई, बीटेक, एमए, एमबीए, पीजीडीएम, सीए, एलएलबी, एमसीए या मास कम्युनिकेशन में पीजी और 9 से 12 साल का अनुभव होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 3 जुलाई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.biadabihar.in पर जाकर आवेदन से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए यूआरएल से जाकर ले सकते हैं। बिहार में विदेशी सब्जियों की होगी खेती। बिहार में खेती और किसानों की आय को बढ़ाने में बिहार की नीतीश सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में अब बिहार की नीतीश सरकार ने बिहार में विदेशी सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने की बात कही है, जिसके तहत ही जल्द ही अब किसानों को आधे दाम में पौधे मिलने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि बिहार हो या कोई और राज्य, भोजन में सलाद का बड़ा ही महत्व है। दुनिया भर में लोग खुद को स्वस्थ रखने के लिए सलाद को प्राथमिकता देते हैं, जिसके तहत ही जैसे जैसे स्वास्थ्य के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ी है, वैसे वैसे इसका इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि भारत में सलाद में इस्तेमाल होने वाली विदेशी किस्म की सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने का फैसला लिया गया है। नालंदा जिला की ही बात करें तो चंडी और वैशाली के देसरी में कृषि विभाग इन फसलों की नर्सरी लगाने जा रहा है। अब यहां से किसानों को आधे दाम में पौधे देने का काम होने वाला है। कैबिनेट की बैठक में 13 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार में कैबिनेट की बैठक का आयोजन बीते दिन किया गया, जिसमें ही कुल मिलाकर 13 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसके तहत ही गया के डुंगेश्वरी पर्वत पर रोपवे निर्माण को लेकर 16,76,00,000 रुपए की पुनरीक्षित योजना की स्वीकृति और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को कार्यकारी एजेंसी नियुक्त किया गया है। ब्रह्मयोनी पर्वत पर रोपवे निर्माण को लेकर 8,67,60,000 रुपए की पुनरीक्षित योजना प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। साथ ही बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम को कार्यकारी एजेंसी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही सीतामढ़ी भवन प्रमंडल के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता हरि गोपाल सिंह को बिहार कैबिनेट में अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड दिया गया है। बिहार में जातीय जनगणना का ब्लूप्रिंट हुआ तैयार। बिहार में जातीय जनगणना करवाने की होड़ इन दिनों काफी तेज है। इसी बीच अब बिहार की नीतीश सरकार ने जातीय जनगणना करवाने को लेकर अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। तैयार किए गए ब्लूप्रिंट के अनुसार राज्य के सरकारी शिक्षक, लिपिक, मनरेगा, आंगनबाड़ी, जीविका दीदी जातीय जनगणना का काम करेगी। इन्हें प्रगणक कहा जाएगा। इन कर्मियों को गणना की गोपनीयता हर हाल में सुनिश्चित करनी होगी। डीएम प्रगणक बनाएंगे। प्रगणक गणना करने वाले इलाके का नक्शा और ले आउट स्केच करेंगे, मकान नंबरिंग को सुनिश्चित करेंगे, मोबाइल ऐप में और प्रपत्र में आंकड़ों को भरेंगे। व्यक्तिगत आंकड़ों में किसी भी तरह के बदलाव या छेड़छाड़ नहीं करेंगे। किशनगंज के हरगौरी मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। ये मंदिर किशनगंज जिले के ठाकुरगंज नगर में स्थित है। 1901 में स्थापित इस मंदिर की स्थापना की कहानी भी रोचक है। कहा जाता है कि यहाँ की जमीन को रविन्द्रनाथ टैगोर के वंशज ज्योतिन्द्र मोहन ठाकुर ने खरीदी थी और इसका नाम ठाकुरगंज रखा। 1897 में उनके परिवार द्वारा पूर्वोत्तर कोण में पांडव काल के भग्नावशेष की खुदाई क्रम में शिवलिंग मिला, जो कि 1 फुट काले पत्थर का था। शिवलिंग पर आधे हिस्से में भगवान शिव और आधे हिस्से में मां पार्वती अंकित है। ठाकुर परिवार इसे कलकत्ता में स्थापित करना चाहते थे, लेकिन रात को ही सपने में भगवान शिव ने कहा कि इस प्रतिमा को वहीं स्थापित किया जाए जहां पर वो मिली है। वो दूसरे दिन ही वापस आ गए और बड़ी धूमधाम से इस मूर्ति की स्थापना की। जल्द ही पटनावासियों का सपना होगा पूरा। जल्द ही पटनावासियों का सपना पूरा होने वाला है। गंगा की लहरों और खूबसूरत नजारों के बीच अब जल्द ही पटनावासी सफर करने वाले हैं। दीघा से दीदारगंज के बीच जयप्रकाश गंगा पथ के पहले फेज का निर्माण कार्य अंतिम दौर में है, जिसके बाद ही अब 24 जून की शाम 4 बजे जेपी गंगा पथ का उद्घाटन होगा, जिसके बाद इस पथ पर आवागमन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा करभिगैया फ्लाईओवर का भी उद्घाटन किया जाएगा। इस फ्लाईओवर के उद्घाटन के बाद खगौल पथ से करभिगैया जुड़ जाएगा। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इस बात की जानकारी दी। इसको लेकर लोगों में खुशी का माहौल है। लोगों का कहना है कि वो काफी दिन से इस पल का इंतजार कर रहे थे। योग गुरु बाबा रामदेव और बालकृष्ण की बढ़ेगी मुश्किलें। बाबा रामदेव और बालकृष्ण अपने योग और देसी इलाज के लिए बेहद ही मशहूर है।
हालांकि जितने ही ये मशहूर हैं उतने ही ज्यादा विवाद इनको हर समय घेरे रहते हैं। ऐसा ही एक मामला एक बार फिर सामने आया है जो कि आने वाले समय में बाबा रामदेव और बालकृष्ण की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण पर बिहार के बेगूसराय व्यवहार न्यायालय में केस दर्ज किया गया। खबर के अनुसार दोनों पर धोखाधड़ी करने का आरोप है। बेगूसराय के बरौनी थाना क्षेत्र स्थित निंगा निवासी महेंद्र शर्मा ने दोनों के खिलाफ परिवाद पत्र दाखिल किया है। बेगूसराय व्यवहार न्यायालय के सीजेएम की अदालत में धारा 420, 406, 467, 468, 120 बी में परिवाद पत्र दायर किया गया है। कोर्ट में पेश नहीं हुए पवन सिंह। पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच तलाक को लेकर इन दिनों काफी बवाल देखने को मिल रहा है। इसी मामले को लेकर बीते दिन पवन सिंह को आरा सिविल कोर्ट के कुटुंब न्यायालय में रिकॉन्सिलिएशन का तारीख मिला था, लेकिन पवन सिंह और पत्नी ज्योति सिंह की पेशी बीते दिन नहीं हो सकी। मिली जानकारी के अनुसार पवन सिंह की पत्नी ज्योति की तबीयत खराब है और वहीं पवन सिंह भी शूटिंग में व्यस्त है, इसलिए पवन और ज्योति तारीख पर कोर्ट में नहीं पहुंच पाए। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई थी। ज्योति ने अपने पति पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। मॉनसून सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने की बैठक। बिहार में जल्द ही मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है, इसी को लेकर बिहार में अब बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इसी के तहत बीते दिन इसी सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने सभापति अवधेश नारायण सिंह, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी और सभी आला अधिकारियों के साथ मॉनसून सत्र को लेकर बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी और सभी विभागों के वरीय अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान ही विजय कुमार सिन्हा ने मुख्य सचिव को प्रश्नों को लेकर विशेष रूप से निर्देश दिया, साथ ही सुरक्षा को लेकर भी कोई कोताही नहीं बरतने के लिए कहा है। प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलने पर उसका स्पष्टीकरण भी मांगा गया है और संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार ने भी पूरे मामले पर संज्ञान लेने की बात कही है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे शमशुल हुडा बिहारी की। शमशुल हुडा बिहारी एक भारतीय गीतकार और कवि थे, जिनका काम व्यापक रूप से 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान बॉलीवुड फिल्मों में रिकॉर्ड किया गया और इस्तेमाल किया गया। बिहारी का जन्म आरा बिहार भारत में हुआ था। वो मधुपुर देवघर जिले में रहते थे और झारखंड में उनका पैतृक विला अभी भी मधुपुर में मौजूद है। 1987 में उनकी मृत्यु हो गई। SH बिहारी हिंदी और उर्दू में फिल्मों के लिए गीत लिखने के लिए जाने जाते हैं और बंगाली में भी धारा प्रवाह थे। 1985 में गीतों के बोल के साथ बिहारी ने फिल्म प्यार झुकता नहीं की पटकथा भी लिखी थी। ऑल इंडिया रेडियो के विविध भारती चैनल पर एक रेडियो कार्यक्रम में संगीतकार ओपी शायर ए आजम यानी कि कवियों में राजा या सम्राट भी उन्होंने किया था। इन्हें मिली विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी। इन दिनों देश भर में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर काफी चर्चाएं हो रही है। इसी बीच अब विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी गई, जिसके तहत ही विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा के नाम का औपचारिक ऐलान हो गया है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार ममता बनर्जी की पार्टी TMC ने यशवंत सिन्हा का नाम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आगे किया है। वहीं शरद पवार की अध्यक्षता में 17 विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने यशवंत सिन्हा का नाम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए घोषित किया। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम भी राष्ट्रपति पद के लिए चर्चा में था। माना जा रहा था कि विपक्ष की तरफ से नीतीश कुमार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है, हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति पद की दावेदारी से इनकार कर दिया था। उत्तर बिहार के 5 जिलों में लगेंगे इतने लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में जल्द ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। इसके तहत उत्तर बिहार के 5 जिलों में जल्द ही 30 महीने के अंदर 26 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम होगा। जिन जिलों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की तैयारी हो रही है उसमें सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण के ग्रामीण क्षेत्रों में और मुजफ्फरपुर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों का नाम शामिल है। इसको लेकर पटना में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने सिक्योर मीटर्स लिमिटेड कंपनी के साथ करार किया, जिसके तहत उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में ये 26 लाख प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव और बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड के CMD संजीव हंस के समक्ष ये करार हुआ है। बिहार के 149 सरकारी ITI में बढ़ेगी 2800 सीटें। बिहार के सभी सरकारी ITI में 2800 सीटें बढ़ने वाली है। बढ़ी हुई सीटों पर श्रम संसाधन विभाग में नए ट्रेड विषयों की पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया गया है। ये ट्रेड 149 सरकारी ITI में चरणवार सीट बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। पहले चरण में सीट बढ़ाने की शुरुआत 14 ITI से होगी। इसके तहत 1050 सीटें इसी सत्र से बढ़ जाएगी। सरकारी ITI में और विषयों की पढ़ाई शुरू होने से छात्र कम पैसे में ही प्रशिक्षण ले सकेंगे। वहीं बढ़ी हुई सीटों के अनुसार विभाग ने प्रशिक्षण देने वाले इंस्ट्रक्टर के 50 पद स्वीकृत कर दिए हैं। इन पदों पर बहाली की जाएगी। सरकारी ITI में 14 नए विषयों की पढ़ाई भी होगी। इस दिन होगा JP पथ और करबिघैया फ्लाईओवर का उद्घाटन।
जल्द ही पटनावासियों का सपना पूरा होने वाला है। गंगा की लहरों और खूबसूरत नजारों के बीच जल्द ही पटनावासी सफर करने वाले हैं। दीघा से दीदारगंज के बीच जयप्रकाश गंगा पथ के पहले फेज का निर्माण कार्य अंतिम दौर में है, जिसके बाद ही अब 24 जून की शाम 4 बजे जेपी गंगा पथ का उद्घाटन होगा, जिसके बाद इस पथ पर आवागमन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा करभिगैया फ्लाईओवर का भी उद्घाटन किया जाएगा। इस फ्लाईओवर के उद्घाटन के बाद खगौल पथ से करभिगैया जुड़ जाएगा। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने इस बात की जानकारी दी है। इसको लेकर लोगों में खुशी का माहौल है। लोगों का कहना है कि वो काफी दिन से इस पल का इंतजार कर रहे थे। इसी दिन जेपी पथ और करभिगैया फ्लाईओवर का उद्घाटन होगा। जमीन खुदाई के दौरान मिली दीवार। छपरा के मशरक में बीते दिनों हुई खुदाई में विशेष किस्म की ईंट की दीवार मिली है। इस विशेष किस्म के ईंट से बने दीवार मिलने से क्षेत्र में तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार छपरा के मशरक थाना क्षेत्र के चांद बरवा गांव के चंबर में एक व्यक्ति द्वारा अपने खेतों में पोखरे के निर्माण के लिए मिट्टी निकलवाई जा रही थी। इसी बीच खेत में ईंट की एक मोटी दीवार दिखी जो 6 फुट से ज्यादा मोटी है। विशेष किस्म की ईंट से बने मोटे दीवार जमीन से 10 फीट तक नीचे से मिले हैं। मिले दीवार के ईंट पर विशेष किस्म की आकृति भी उखेरी गई है, जिसकी अब जांच शुरू हो गई है। नए सिरे से अब होगा वार्ड परिसीमन। निर्वाचन आयोग ने अब 3 नगर निकायों की मतदाता सूची और 7 निकायों के वार्ड गठन का काम स्थगित कर दिया है। इसको लेकर के हाल ही में आयोग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। साथ ही इस अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा है कि नगर निगम सहरसा, नगर परिषद झंझारपुर और नगर परिषद इस्लामपुर को उत्क्रमित किए जाने की वजह से इन निकायों में मतदाता सूची के विखंडन का कार्य स्थगित किया गया है। 28 जून को वार्डवार मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन निर्धारित है। 3 निकायों की मतदाता सूची निर्माण स्थगन के बाद शेष 81 नगर निकायों की ही मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन 28 जून को सभी निर्धारित स्थलों पर किया जाएगा। बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने आंदोलन को बताया फेल। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में हुआ विरोध अब तक लोग तो भूल नहीं पाए, वहीं अब बिहार में हुए इस विरोध की आंधी तो थम गई है, लेकिन राजनीतिक बयानबाजियां जारी है, जिसके तहत ही हुए इस विरोध पर बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्रा ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत ही उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर विपक्षी युवाओं को भटकाने की कोशिश कर रहा है। बिहार के युवा भटकने वाले नहीं है। बिहार बंद और उसके बाद भारत बंद ने यह साबित कर दिया कि बिहार के युवा अग्निपथ योजना के साथ है। युवा इस योजना के तहत सेना में भर्ती होना चाहते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं। विपक्ष कुछ भी कर ले, लेकिन बिहार के युवा अब उनके साथ नहीं है। ये सब कुछ स्पष्ट हो गया है, क्योंकि युवाओं ने इस योजना को बहुत बारीकी से समझ लिया है। ये आंदोलन पूरी तरीके से फेल रहा है। लालू यादव को आरोप मुक्त किए जाने की खारिज हुई याचिका। बिहार की राजधानी पटना स्थित एक विशेष अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की तरफ से दायर मानहानि के एक मामले में दाखिल आरोप विमुक्ति याचिका को खारिज कर दिया। इस दौरान सांसदों एवं विधायकों के मामले की सुनवाई के लिए गठित एक विशेष अदालत की अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आदि देव ने लालू यादव की तरफ से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 258 के तहत दायर की गई याचिका पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उसे खारिज कर दिया। साथ ही अदालत ने अभियोजन पक्ष को अपने गवाह पेश करने के लिए 23 जून 2022 की अगली तारीख निश्चित की है। याचिका में कहा गया था कि मामले के परिवाद पत्र के अवलोकन में मानहानि का मामला नहीं बनता है, इसलिए उन्हें आरोपों से मुक्त किया जाए। अनंत सिंह के मामले में आए फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएगी राजद। बीते दिन बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह को AK-47 मामले में सजा सुनाई गई, जिसमें ही उन्हें 10 साल की सजा मिली है। इसी कड़ी में अब राजद ने अनंत सिंह के खिलाफ आए फैसले पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कह दी है, जिसके तहत ही राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि निश्चित तौर पर कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन ऊपरी अदालत में इस फैसले को लेकर हम लोग अपील भी करेंगे। कानूनी विशेषज्ञों से राय ली जाएगी, उसके बाद न्याय की गुहार के लिए ऊपरी अदालत में जाने का काम किया जाएगा। बता दें कि अनंत सिंह के पैतृक गांव नंदवा स्थित घर में AK-47 और ग्रेनेड बरामद हुआ था। इस मामले में MP-MLA कोर्ट ने मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह और एक अन्य को दोषी करार दिया है। एयरपोर्ट रनवे की लंबाई बढ़ाने की केंद्र सरकार से जदयू ने की मांग। एयरपोर्ट रनवे का विस्तार करने के लिए जदयू विधान पार्षद प्रोफेसर गुलाम गौस ने केंद्र सरकार के नागर विमानन मंत्रालय से खास मांग की है, जिसके तहत ही पटना एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई को बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। इसके तहत ही उन्होंने कहा है कि छोटा रनवे रहने के कारण विमान को सामान्य स्थिति में भी उतारने की दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय यदि गंभीरतापूर्वक विचार करे तो रनवे को पश्चिमी दिशा में लंबाई उसकी बढ़ाई जा सकती है। मुश्किलों में फंसे उपेंद्र कुशवाहा को मिली राहत।
जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि मुजफ्फरपुर की विशेष अदालत ने उनके खिलाफ एक मुकदमे में आरोप तय कर दिया था। ये मामला आचार संहिता उल्लंघन को लेकर दर्ज हुआ था। इसी मुकदमे की सुनवाई के दौरान मंगलवार को उपेंद्र कुशवाहा मुजफ्फरपुर स्थित विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में पेश भी हुए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मीनापुर में एक सभा के दौरान उन पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप था। इस मामले में वे पुलिस के स्तर से जमानत पर थे। मंगलवार को कोर्ट ने उनकी जमानत को स्वीकार कर लिया है। आज अग्निपथ के खिलाफ तेजस्वी करेंगे राजभवन मार्च। अग्निपथ योजना को लेकर बिहार में विपक्षी दल केंद्र सरकार पर हमलावर बनी हुई है। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव इस योजना के खिलाफ आज राजभवन मार्च करेंगे। सुबह 9 बजे से तेजस्वी के नेतृत्व में महागठबंधन के सभी विधायक बिहार विधानसभा से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च करेंगे। राजभवन पहुंचकर तेजस्वी महागठबंधन की तरफ से अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग से संबंधित ज्ञापन राज्यपाल को सौंपेंगे। ऐसे में इस मार्च के हंगामेदार होने की संभावना जताई जा रही है। राजभवन पहुंचकर तेजस्वी महागठबंधन की तरफ से अग्निपथ योजना को वापस लेने से संबंधित मांग का ज्ञापन राज्यपाल को सौंपेंगे। बता दें कि इस योजना को लेकर बिहार समेत देश के कई राज्यों में पिछले दिनों छात्रों ने उग्र आंदोलन भी किया था। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। सम्राट हुमायूं ने अपने बेटे अकबर को 1555 में अपने वारिस के रूप में घोषित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इंग्लैंड और भारत के बीच 1946 में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान में पहला क्रिकेट टेस्ट मैच शुरू हुआ। भारत के सम्राट का खिताब 1948 में उनकी महामहिम यूनाइटेड किंगडम के राजा का खिताब से हटा दिया गया। सुनीता विलियम्स 2007 में अपनी टीम के साथ धरती पर लौटी। 21वीं सदी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण भारत में 2009 को आज ही के दिन दिखाई दिया था। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी गणेश घोष का जन्म 1900 में हुआ। भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता और खलनायक अमरीश पुरी का जन्म 1932 में हुआ। भारतीय निदेशक और निर्माता राम नारायण का निधन 2014 में हुआ। दिनेश कार्तिक ने कहा, हर हाल में इस साल विश्व कप खेलना चाहता हूं। भारतीय टीम के अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक ने लंबे समय के बाद भारतीय टीम में वापसी की है। कार्तिक 2019 वर्ल्ड कप के बाद से भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे और फिर आया आईपीएल का 15वां सीजन यानी आईपीएल 2022, जिसमें कार्तिक को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु ने 5.50 करोड़ रुपए में खरीद कर अपनी टीम में शामिल किया। दक्षिण अफ्रीका के चौथे T20 मैच के बाद हार्दिक पांड्या के साथ BCCI.TV पर बातचीत करते हुए कार्तिक ने अपनी वापसी का जिक्र किया और भविष्य में अपने लक्ष्य के बारे में बताया। कार्तिक ने कहा, मैंने दृढ़ निश्चय किया था कि इस साल विश्व कप खेलना चाहता हूं। ये मेरी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं लंबे समय से खेल रहा हूं। मुझे पता है कि टीम से बाहर होने पर कैसा महसूस होता है और साथ ही जानता हूं कि भारतीय टीम के लिए खेलना कितना मूल्यवान है। मैं कुछ विशेष करना चाहता हूं। अब भर सकेंगे अकाशा से उड़ान। उड़ान के क्षेत्र में भारत में जल्द ही एक नया नाम जुड़ने जा रहा है। राकेश झुनझुनवाला समर्थित एयरलाइन कंपनी अकाशा एयर अब जल्द ही अपनी सेवाएं शुरू करने वाली है। इसको लेकर झुनझुनवाला समर्थित अकाशा एयर ने बीते दिन अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग से अपना पहला विमान प्राप्त किया है। अकाशा एयर ने एक बयान में कहा है कि विमान की डिलीवरी साथ ही एयरलाइन अपने एयर ऑपरेटर के परमिट प्राप्त करने के करीब पहुंच गई है। हालांकि इसको लेकर आज कोई नया काम नहीं हुआ, बल्कि अकाशा एयर ने पिछले साल ही नवंबर में एरोस्पेस दिग्गज बोइंग के साथ 72 मैक्स विमान खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। कम लागत वाली वाहक अगले साल मार्च तक 18 विमानों की डिलीवरी की उम्मीद कर रही है और बाकी 54 हवाई जहाज 2026 तक मिलने की संभावना है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है रविकांत यादव, गौतम कुमार, सोनी कुमार, अंबिका कुमारी, राजीव कुमार, संध्या सिंह, श्वेता रॉय प्रदीप, उमाशंकर एंटरटेनमेंट, गोविंद गुप्ता, नुन्नू कुमार, बंटी सिंह। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में प्रदूषण बढ़ने का अहम कारण क्या हो सकता है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।